उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान अहमद हसन जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री और इसी इलाके के प्रतिनिधि श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, हमारे एमएलसी श्रीमान केदारनाथ सिंह जी, ग्राम के प्रधान आदरणीय बहन दुर्गा देवी जी, श्री अरविंद जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए जयपुर के प्यारे भाई और बहनों, भारत सरकार ने एक सांसद आदर्श ग्राम योजना की कल्पना की है। अब मुझे भी एक सांसद के नाते इस आदर्श ग्राम योजना की जिम्मेवारी लेनी थी। क्या कर रहे यार? मैं पिछले दिनों अखबार में भांति भांति की कल्पना कथाएं पढ़ रहा हूं। कोई कहता है जयपुर इस कारण से लिया है, कोई कहता है जयपुर उस कारण से लिया है, किसी ने कहा जयपुर ऐसे लिया है, जयपुर में ऐसा है, जयपुर में वैसा है, पता नहीं। इतनी कथाएं मैं पिछले दिनों पढ़ रहा हूं, मैं हैरान हूं। लेकिन इतना फर्क ही दिमाग लोगों का रहता है। मैंने इस गांव में आना पसंद किया। जो मैं पढ़ रहा हूं ऐसी किसी बात का मुझे पता नहीं है। मैंने पसंद किया उसका एक बहुत छोटा सा कारण, और छोटा कारण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयपुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना। और वो भी एक संकट की घड़ी में सुना था। मैं एमपी तो था नहीं, सरकार भी हमारी यहां नहीं थी, लेकिन मैंने सरकारी अधिकारियों को फोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किए, और सब लोग यहां मदद के लिए पहुंचे थे। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयपुर ने जगह ले ली थी। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। यही एक छोटा सा कारण है कि मेरा जयपुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया। बाकी जिन्होंने जितनी कथाएं चलाई है सब गलत है, बेकार है। मैं खुद उन कथाओं को नहीं जानता। अब कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है,
इस सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। क्योंकि हम सांसद बन जाए, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम कहीं पर भी पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और अगर मुझे अच्छा जनप्रतिनिधि बनना है, अगर मुझे अच्छे जनप्रतिनिधि रूप में लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठकर के नहीं सीख सकता, अफसरों के बीच बैठकर के नहीं सीख सकता। ये मुझे शिक्षा दीक्षा मिल सकती है गांव के अनुभवी लोगों के पास। उनके पास स्कूल कॉलेज की डिग्री हो या ना हो, लेकिन उनका अनुभव का तजुर्बा इतना होता है, समस्याओं के बीच रास्ते खोजने का जो उनका तरीका होता है, उनकी कल्पना शक्ति को समझने का जो अवसर होता है, वो जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक उत्तम शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। और आपके सांसद को सिखाइए कि वे गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। आजादी के इतने बाद भी इतने वर्ष मिल गए, हमारे गांव की हालत ऐसी क्यों रही? वो सही में रास्ता बताएगा कि देखिए आपने दिल्ली में कि लखनऊ में बैठकर के जो योजनाएं बनाई हैं, 7 साल तक बनाई है, अरबों खरबों रुपया खर्च किया है, अब कुछ हमारी सुनो और जो हम कहें वो करो। ये मैंने रास्ता उल्टा करने का प्रयास किया है और मेरा विश्वास है कि 7 साल तक हम एक ही बात को लेकर के चले, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ते थे तब से हमारे मन में एक बात बैठ गई कि एक बार आजादी आ जाएगी बस फिर कुछ नहीं करना है, फिर सब अपने आप हो जाएगा। इसी इंतजार में रहे, फिर समय आया, हमें लगने लगा कि भाई सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करते, बाबू ये नहीं करता, टीचर वो नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो समाज और सरकार अलग अलग होने लग गए, सरकार एक जगह पे, समाज दूसरी जगह पे, एक बहुत बड़ी खाई हो गई। इसका मतलब यह हुआ 7 साल तक हमने जो तौर तरीके अपनाए, जो रास्ते अपनाए, वे ऐसे रास्ते हैं जिसमें कुछ न कुछ कमी नजर आती है। सब कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ बुरा भी नहीं होगा,
लेकिन कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। क्या इस कमी को हम भर सकते हैं? और ये कमी इस बात की है कि ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है, क्या हमें अपना गांव, अपना मोहल्ला सबने मिलकर के अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कहीं एक गड्ढा हो गया हो तो हम किराया खर्च के लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाकर के मेमोरेंडम देंगे कि हमारे गांव का गड्ढा भर दो, उसमें हम सैकड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन मिलकर के तय करेंगे गड्ढा भर देना है तो गड्ढा भर जाएगा। और इसलिए आदर्श ग्राम योजना मैं देख रहा हूं कि कुछ गांव में स्पर्धा चल पड़ी है, हमारा गांव आदर्श ग्राम बनाए, सांसद हमारा गांव ले। ये गलती इसलिए हो रही है कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं, ये योजना पैसों वाली है ही नहीं, क्योंकि पैसे हो तो फिर कोई खाने वाला भी निकल आएगा ना। ये योजना ऐसी है कि भी सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतने रुपये खर्च हो रहे हैं, गांव के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? मैंने अभी भारत सरकार के सबसे बड़े जो बाबू हैं, जो देश एक प्रकार से कारोबार चलाते हैं, उनको दिवाली के निमित्त मेरे यहां चाय के लिए बुलाया था। सब बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े बाबू हैं, उनको मिलना भी सामान्य नागरिक के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतने बड़े लोग हैं। तो मैंने उनको चाय को बुलाया था, मैंने उनको काम कहा, मैंने कहा देखिए आप आज इतने बड़े अफसर बन गए हैं, लेकिन जब पहली बार आईएएस अफसर बनकर के आए होंगे तो पहली नौकरी जहां लगी होगी और जहां आपने कम से कम साल भर काम किया होगा, मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप लोग जहां अपने नौकरी की शुरुआत की थी उस गांव में जाओ और अपने बच्चों के साथ जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, उनको दिखाओ आप जब छोटे थे, नए नए आए थे, शादी नहीं हुई थी, नौकरी की शुरुआत थी, कहां रहते थे, किस दफ्तर में बैठते थे, कैसी गाड़ी में घूमते थे, उस समय कौन पहचान वाले लोग थे, जरा परिचय करो अपने परिवारजनों से, और फिर रात को वहां रुको, कम से कम 3 दिन रुको, और रात को सोते समय सोचो कि 30 साल पहले, 25 साल पहले यहां पर आपने नौकरी की होगी, ये गांव आप जैसा छोड़ के गए थे उसमें कुछ बदलाव आया है कि 30-40 साल के बाद? आप तो यहां से यहां पहुंच गए लेकिन गांव वहां का वहां रह गया। आप खुद जाकर के देखिए, मैंने उनको कहा खुद जाकर देखिए और अपने परिवार को भी दिखाइए। मैं एक ऐसी जागृति लाना चाहता हूं, एक ऐसी संवेदना पैदा करना चाहता हूं कि हम सोचें, हम भले कितने आगे चले जाएं लेकिन जिन्होंने हमें आगे भेजा है उनको तो कोई आगे ले जाने का प्रबंध हो। और इसलिए ये मेरी कोशिश है कि हम लोगों के बीच जाकर के, लोगों के साथ मिलकर के, एक सरकार की वर्तमान जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करवा के अपनी आंखों के सामने सांसद देखें कि वो योजनाएं 100% लागू होती है कि नहीं होती है।
और देखिए गांव में परिवर्तन आता है कि नहीं आता, उन योजनाओं के लागू करने में कठिनाई आ रही है तो नीतिगत परिवर्तन लाने की जरूरत है, तो वो परिवर्तन क्या आ रहा है? एक बार एक गांव भी अगर सांसद इस प्रकार से कर देगा ना, अपने आप और गांव को उस दिशा में काम करने के लिए सभी सरकार को बाबुओं को आदत लग जाएगी। और इसलिए मुझे एक ऐसा माहौल बनाना है कि जयपुर में भी क्या जयपुर के लोग इतना फैसला कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों से टीवी पर देख रहा हूं जयपुर चमक रहा है टीवी पर, वाह सरकारी लोग भी आए हैं, सफाई कर रहे थे, रास्ते ठीक कर रहे थे, क्यों तो बोले मोदी जी आने वाले हैं। और गांव वाले भी कहते हैं यार मोदी जी हर बार आ जाए तो अच्छा होगा, गांव साफ हो जाए। क्या ये सोच सही है? क्या हम नहीं तय कर सकते हैं कि चलो भाई इस निमित्त गांव साफ हो गया है, अब मेरा जयपुर गांव का एक एक नागरिक तय करे हम हमारे गांव को गंदा नहीं होने देंगे। ये आदर्श ग्राम की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? करेंगे। आप मुझे बताइए, मैं जयपुर के लोगों को पूछूं कि हमारे गांव में सबसे पुराना सबसे बड़ी उम्र का वृक्ष कौन सा है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ है जो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है? कभी सोचा है गांव वालों ने? नहीं सोचा। क्या कभी स्कूल के मास्टर जी को लगा कि चलो भाई हम स्कूल के सभी बच्चों को लेकर के उस पेड़ के पास ले जाए और उनको कहें देखिए ये पेड़ 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, और उसको कहें कि तुम्हारे दादा के दादा थे ना, वो भी इस पेड़ पर खेलते थे, तुम्हारे परिवार के लोग थे ना, वो भी यहां आते थे, उस पेड़ के साथ उसका लगाव होगा। आज किसी गांव को मालूम नहीं होगा कि हमारे गांव का सबसे पुरातन पेड़ कौन सा है, कौन सा वृक्ष सबसे पुरातन है। क्यों? हमें ये चीजों से लगाव नहीं है। हमारे गांव में 100 साल से ऊपर के लोग कितने हैं, 75 साल से ऊपर के कितने लोग हैं, वयोवृद्ध लोग कितने हैं? क्या कभी हमारे गांव के बालकों को इन वृद्ध परिवारों के साथ बिठा करके उनके साथ संवाद का कार्यक्रम किया? क्या क्या छोटे से तब क्या करते थे, तब स्कूल था गया, टीचर आता था गया, आप खाना पाना कैसे होता था, उस समय ठंड कैसे रहती थी, गर्मी कैसे थी, कभी किया क्या? ये जो सहज रूप से एक गांव का अपनापन का माहौल होता वो धीरे 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 सिकुड़ता चला जा रहा है। क्या हम मिलकर के इस माहौल को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं? मुझे बताइए ये अपना जयपुर गांव उसका जन्मदिन क्या है? मालूम है? नहीं है। कोई तो होगा इसका जन्मदिन, कभी ना कभी इस गांव का जन्म हुआ होगा। अगर हमें मालूम नहीं है तो हम जरा खोजें सरकारी दफ्तरों में कि भाई जयपुर गांव को सरकारी रिकॉर्ड पर कब आया। अगर नहीं मिलता है तो हम एक गांव वाले लोग बैठकर के तय करें कि भाई फलानी तारीख को हर वर्ष हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे। हम अपना तो जन्मदिन मनाते हैं, कभी मेरा गांव जहां मैं पैदा हुआ मैं बड़ा हुआ हम मिलकर के गांव का जन्मदिन मनाए। और उस दिन इस गांव से पढ़ लिख करके जो बाहर गए हैं, रोजी रोटी कमाने बाहर गए हैं, उन सबको भी रहना चाहिए कि भी अपने गांव का जन्मदिन है, उस दिन तो गांव जाना ही पड़ेगा, सारे
जो पा रहे हैं उन सबको उस दिन आना ही पड़ेगा। और उस दिन हमारे जो 75-80-90 साल की उम्र के जो गांव के एकदम वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान किया जाएगा। आप मुझे बताइए जब गांव अपना जन्मदिन मनाएगा तो गांव में सफाई गांव के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? गांव में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं, कोई अगर धनी हो गया, पैसे वाला हो गया, वो गांव में आएगा और उसको अगर पता चलेगा कि गांव के अंदर पूरे एक पंखा लगाने की जरूरत है तो पंखा गांव में लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, बिना सरकार समाज की शक्ति जागृत करके हम एक आदर्श गांव की दिशा में कैसे बढ़े? अगर हम तय करें कि हमारे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोया होगा, खाना खाने से पहले हमारे गांव का हर बच्चा हाथ धोकर के ही खाना खाएगा, मुझे बताइए इस काम के लिए सरकार की जरूरत है क्या? और आप जानकर के हैरानी होगी, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी अपने एक पड़ोसी देश की, उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उस देश में जो बच्चे मरते हैं उन मरने वाले बच्चों में 40% बच्चे, यानी अगर 100 बच्चे मरते हैं तो 100 में से 40 बच्चों के मरने का कारण क्या था? एक ही कारण था कि वो भोजन के पहले हाथ धोकर के खाना नहीं खाते थे। हमारा बच्चा हमें कितना प्यारा है, वो बीमार हो जाए तो पूरा घर दुखी हो जाता है, लेकिन कभी एक छोटी बात करने का हम संकल्प कर सकते हैं कि भाई अब जयपुर गांव में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बिना हाथ धोए कोई भी चीज हाथ में लेकर के मुंह में रखेगा। आपको लगेगा ये प्रधानमंत्री है कि कौन है? यही तो गलती हो गई है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने। मैं यहां अपने लोगों से पूछूं, कोई 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, कोई 12वीं पास किए होंगे, कोई ग्रेजुएट होंगे, कोई 50 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे, कोई 80 साल के होंगे। मैं उनको पूछूं कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है क्या कभी आप उस स्कूल में गए हो, उस स्कूल को देखा है, मास्टर जी आते हैं कि नहीं आते हैं, सफाई होती है कि नहीं होती है, पीने का पानी साफ है कि गंदा है, वहां शौचालय है कि नहीं है, लेबोरेटरी है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, कंप्यूटर है तो चलता है कि नहीं चलता है, कुछ भी कभी के हमने रुचि ली होगी किसी ने नहीं ली होगी, पहले दिन बच्चे को छोड़ा है और कह दिया मास्टर जी ये सौंप दिया, अब तुम जानो उसका नसीब जाने जो करना है करो, ऐसे चलता है क्या? हम अगर हमारे गांव के स्कूल का अगर हम तय करें कि चलो भाई हर मोहल्ले की कमेटी बनाए, ये कमेटी के 10 लोग रोज स्कूल जाएंगे, दूसरी कमेटी वाले दूसरे दिन जाएंगे, तीसरी कमेटी वाले तीसरे दिन जाएंगे, हमें बताइए हमारी स्कूल छोटी सी स्कूल क्यों ना हो वो फिर एक प्रकार से गांव के अंदर सरस्वती का मंदिर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, शिक्षा का धाम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सरल काम है। मैं कभी कभी गरीब परिवारों को कहता हूं एक काम करो, आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मनाते हैं क्या? कुछ परिवारों में तो बेटी पैदा हुई तो झगड़ा हो जाता है, उस बहू की बेचारी की मुसीबत आ जाती है। क्या हमारा जयपुर गांव बेटी का जन्म होगा तो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा?
हमारे गांव में लक्ष्मी जी का पदार्पण हो, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, हम गर्व करेंगे करेंगे गांव के लोग। आज नहीं होगा। आज देखिए जितने लड़के पैदा होते हैं लड़कियां उससे कम पैदा हो रही है, और कारण क्या है कि मां के गर्भ में ही बेटी को मार दिया जाता है। अगर मां के गर्भ में ही बेटी को मार देंगे तो संसार चक्र कैसे चलेगा? अगर एक गांव में हजार बच्चे पैदा होते हैं बालक, और 800 बालिकाएं पैदा होती हैं, तो 200 बालक कमारे रह जाएंगे। क्या हाल होगा गांव का, समाज का क्या हाल होगा? क्या ये काम सरकार करेगी? क्या ये समाज के नाते हमारी बहन बेटियों की इज्जत उनका गौरव एक समाज में माताओं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए मैं आज जयापुर के पास इसलिए आया हूं। हमने तय करना है, इतने साल जो किया सो किया, अब नए तरीके से बदलना है। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपके पास जमीन है, खेत है, छोटी सी भी जमीन है, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है, उस खुशी में आप आपके खेत के कोने में किनारे पर 5 पैड बो लीजिए। उस दिन बेटी बड़ी होगी वो पैड भी बड़े होंगे, बेटी जब 20 साल की होगी पेड़ भी 20 साल का हो जाएगा, और बेटी की शादी करवानी होगी तो 5 पैड को बेच दोगे, बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी। हम लोगों ने मिल करके समाज में व्यवस्था खड़ी करनी है। अब गांव का जन्मदिन मनाए तो जातिवाद बच ही नहीं सकता, सब मिल करके मनाएंगे जातिवाद नहीं रह सकता, और जातिवाद का जहर गया तो गांव की ताकत इतनी बढ़ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए ये पूरा आदर्श ग्राम योजना सरकार की योजनाओं को लागू भी करना है, सही तरीके से लागू करना है, सही समय पर लागू करना है, अच्छे तरीके से लागू करना है, अच्छा परिणाम मिले इस प्रकार से लागू करना है, और सांसद का मार्गदर्शन मिले, सांसद गांव को जुड़ाए, आप देखिए काम की गति बन जाएगी। और एक बार एक गांव में सब सरकारी अफसरों को आदत लगे ऐसे काम होता है तो बाकी सब गांवों में भी वैसा ही शुरू हो जाएगा, देर नहीं लगेगा। मेरे मन में इस बनारस पूरा विस्तार जो मेरे जिम्मे आया है और एक प्रकार से जिला भी बहुत कुछ करने का मेरा इरादा है, लेकिन सरकारी तरीके से नहीं करना है, सरकारी खजाने से नहीं करना है, हमें जनता की शक्ति से करना है, जन शक्ति से करना है। अभी हमारे प्रधान दुर्गा देवी जी भाषण कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो उन्होंने 8वीं तक मैं पढ़ी। आप देखिए 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा था। दुर्गा देवी जी को सुनकर लगा कि वाह कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते हमारी हर घर की बेटी पढ़े? अगर गांव के प्रधान दुर्गा देवी जी भी पढ़ी लिखी है तो हमारे गांव के हर बेटी पढ़नी चाहिए। ऐसा क्या कारण हो अगर पोलियो का खुराक खिलाना है, क्या पोलियो का खुराक खिलाने के लिए भी किसी सरकारी बाबू को आकर के हमें याद दिलाना चाहिए? क्या पूरे गांव के अंदर ऐसे नौजवान नहीं होने चाहिए
कि जिनका काम हो कि भाई पोलियो का खुराक हर बच्चों को खिलाया जाएगा, क्या कि कभी भी हमारे गांव के अंदर कभी पोलियो आए नहीं, हमारे गांव में कोई बच्चा अपंग ना हो, ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पोलियो का खुराक तो सरकार आएगी लेकर के, लेकिन सरकार तक ले जाना बालकों को एक समाज के नाते हम दायित्व उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। मैं आप लोगों के बीच रह करके, मैंने पिछले दिनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ के अफसरों के माध्यम से, यहाँ की कई समस्याओं के विषय में जानकारी ली है और मुझे विश्वास है कि शासन में बैठे हुए लोग जो है ज्यादातर यहाँ तो राज्य सरकार के माध्यम से काम होता है, इन बातों को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार क्या करे क्या न करे, हम जयपुर के लोग क्या करें, ये संकल्प लेकर के आज जाना है। और मैं कहता हूं, सांसद ने गांव को गोद नहीं लिया है, गांव सांसद को गोद लेगा। एक नई दिशा में चला रहा है और उसी से आदर्श ग्राम बनने वाला है। मैं जयपुर वासियों का बहुत आभारी हूं। स्वाभाविक है, मैंने यहां के कामों की व्यवस्थाओं की पूछताछ की है तो रास्ते भी निकलेंगे, लेकिन उसकी मैं चर्चा मंच पर से करना नहीं चाहता हूं। मैं जैसे मेरा इसकी बात करनी होगी मैं करता रहूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी जो अपेक्षा है, मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी बैठिए, बैठकर के ऐसे काम हम ग्रामवासी क्या कर सकते हैं, गांव की ताकत क्या हो सकती है, ये अगर हम कर लें। मैंने सुना कि हम पानी की दिक्कत रहती है, हम एक सरकार करेगी, सरकार का जज जिम्मा सरकार करेगी, हम तय कर सकते हैं क्या कि हम बरसात का एक बूंद पानी गांव के बाहर नहीं जाने देंगे। कौन कहता है पानी की दिक्कत रहेगी? आपको कभी किल्लत नहीं पड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये काम हमने सबने मिलकर के करना होगा। सरकार अपने तरीके से जो इतने सालों से किया है, अब हमने एक नए तरीके से आगे बढ़ना है, समाज की शक्ति से आगे बढ़ना है, जनता की शक्ति के भरोसे आगे बढ़ना है, पैसों की थैलियों से नहीं, बजट के अंदर नहीं, सरकार ये करेगी वो करेंगे टेंडर निकालेंगे उससे नहीं, हम मिल बैठ करके हमारे गांव को, अगल बगल के जिले के लोगों को लगे हाँ भाई हुआ। और मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां हुआ, लोगों ने किया है, हमें भी जयपुर का ऐसा बना रहा है। मैं फिर एक बार, आपने जो स्वागत सम्मान किया, प्यार दिया, उसके कारण मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के सच्चे अर्थ में जयपुर, एक नया जयपुर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।